हेलो दोस्तों, नमस्कार। अष्टम पॉइंट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो ये करंट अफेयर्स की जो पर डे की हमने श्रृंखला शुरू की है उसका ये अगला पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अभी हाल ही में चमोली देवी जैन पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पत्रकारिता का पुरस्कार होता है, तो चमोली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा प्रियंका दुबे। मैं फटाफट जल्दी जल्दी इसको पढ़ूंगा और जल्दी जल्दी ताकि टाइम आप लोगों का वेस्ट ना हो, 10 मिनट के अंदर में ही आप पूरा क्वेश्चन कवर कर लें। तो चमोली देवी जैन पुरस्कार किसको मिला है? प्रियंका दुबे को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं को निजी उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहन हेतु युवा श्री अर्पण योजना आरंभ की गई है? तो आपका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे अभी हाल ही में यशवंत राव चव्हाण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा रघुराम राजन को। ये हमारे पूर्व RBI के गवर्नर थे, उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो रघुराम राजन आपको याद रखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में इडुक्की की मरयूर गुड़ को भौगोलिक संकेत टैग का दर्जा मिला है, यह किस राज्य में है? तो आपको ये देखो क्वेश्चन ये पूछा सकता है, क्वेश्चन ये मतलब VIP क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को बिल्कुल याद रखेंगे कि इडुक्की की मरयूर गुड़ को भौगोलिक संकेत का दर्जा मिला है, ये किस राज्य में है इडुक्की? तो ये आपका सही आंसर होगा केरल में। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने 7 करोड़ निःशुल्क LPG कनेक्शन का लक्ष्य अभी हाल ही में पूरा किया है। यह बेसिकली 35 महीने का लक्ष्य रखा हुआ था, लेकिन उसके पहले ये सारा लक्ष्य पूरा हो गया है। तो इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका सही जवाब होगा मई 2016 में उज्ज्वला योजना, ये भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना थी उज्ज्वला योजना, जो कि गैस वितरण से संबंधित था। तो ये मई 2016 में शुरू की गई थी। तो ये छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 44 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है, इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? जो नारी शक्ति सम्मान है, ये पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा 1991 में। सातवां क्वेश्चन है, रूस भारत को अकुला श्रेणी की पनडुब्बी 2025 तक देगा। अकुला श्रेणी की पनडुब्बी है जिसे रूस भारत को देगा, इस पनडुब्बी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा चक्र तृतीय के नाम से। आइए आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्स्टर वेतन सूचकांक अभी ये जारी हुआ है। मॉन्स्टर वेतन सूचकांक के अनुसार भारत में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच वेतन में कितने प्रतिशत का अंतर, यानी कि पुरुष कितना पाता है और महिला कितने पाती है, तो इसके बीच का कितना डिफरेंस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका सही जवाब होगा 19%। 19% आज भी क्या है, मेल और फीमेल के बीच में जो सैलरी का डिफरेंस है 19% का है। नौ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्स्टर वेतन सूचकांक रिपोर्ट को किसने तैयार किया है? इस बार का जो ये जो मॉन्स्टर वेतन सूचकांक तैयार हुआ है, इस बार किसने तैयार किया है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका सही आंसर होगा ये अभी दोनों, यानी कि पेचेक इन और दूसरा IIM अहमदाबाद, दोनों लोगों ने मिलकर इस मॉन्स्टर वेतन सूचकांक को तैयार किया है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व का सबसे प्रदूषित, यानी विश्व का सबसे, मतलब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो भारत में है, और वो कौन सा है? गुरुग्राम, यानी कि गुड़गांव जो है ये विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है, भारत का तो होगा ही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस शहर में AK-203 यानी कि जैसे AK-47 होता है उसी की तर्ज पे AK-203 राइफल बनाए जाने का भारत और रूस संयुक्त उपक्रम आरंभ किए हैं? तो आपका सही जवाब होगा अमेठी, जो कि राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, संसदीय क्षेत्र भी है MP की। तो आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च की गई अंचल अमृत योजना में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो क्वेश्चन एक-एक करके देख लेते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्ताह में 2 बार 2.5 बच्चों के लिए 100 ml दूध उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा है, इस योजना के तहत 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में फ्लेवर्ड, यानी कि जो उसमें कुछ टेस्ट होगा, मीठा तथा दूध पाउडर उपलब्ध होगा। तीसरा है, अंचल अमृत योजना के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आपका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि आंचल अमृत जो योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो ये सारे पॉइंट उसमें ये उपरोक्त सभी होगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्कों की एक नई श्रृंखला जारी की है, इसमें 20 रुपये का सिक्का भी
जारी किया गया, 20 रुपये का सिक्का पहली बार जारी किया गया है। तो इसका आकार होगा क्या, ये पंचभुजाकार है। माफ़ कीजिएगा कि पिछले मैंने वीडियो में इसको खड़भुजाकार बता दिया था, तो यहाँ पे कंफर्म कर दूँ कि 20 रुपये का जो सिक्का जारी हुआ है उसका आकार जो है पंचभुजाकार है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गूगल ने बच्चों के लिए बोलो ऐप लॉन्च किया है, इस संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो एक एक करके देख लेते हैं। यह ऐप गूगल की स्पीच रिकॉग्निशन तथा टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है, सही है। दूसरा है, इस ऐप में रोशनी नामक एनिमेटेड कैरेक्टर बच्चों को कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये देखिए गलत है, ये रोशनी नहीं है, उस कैरेक्टर का नाम है दिया, याद रखेंगे उस कैरेक्टर का नाम है दिया। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है वोलानेर में भी, कि गूगल ने जो बोलो ऐप शुरू किया है उसमें एनिमेटेड कैरेक्टर है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दिया, तो याद रखेंगे रोशनी नाम नहीं है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है और बाकी सारे सही हैं, ये सही है। तीसरा है, गूगल इस ऐप को उत्तर प्रदेश के 200 गाँवों में पहले पायलट बेसिस पर उपयोग कर चुका है, सही है। तीसरा है, एक बार डाउनलोड करने के बाद यूज़र हिंदी तथा अंग्रेजी में 100 कहानियाँ पढ़ सकते हैं, यानी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये ऐप बच्चों के लिए बेसिकली शुरू किया गया है, तो आप बिल्कुल याद रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में किस स्थान से वन नेशन वन कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है? तो आपको याद रखना है, सही आंसर होगा अहमदाबाद, ये गुजरात का एक जनपद है अहमदाबाद, जहाँ से वन नेशन वन कार्ड योजना की शुरुआत जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में चाय बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि आपका सही होगा जवाब पीके वेज बरुआ। चाय बोर्ड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाय बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है पीके वेज बरुआ। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समुद्री निगरानी केंद्र की स्थापना एवं गगनयान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका सही जवाब होगा फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल कन्फ्यूजन वाला हो सकता है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA, नासा को समझा नहीं रहे आप, जैसे कि अंतरिक्ष एजेंसी कंपनी है जाक्सा यानी कि जापान की है, और ये फ्रांसीसी CNES। तो आपको याद रखना है कि इसरो ने CNES के साथ समझौता किया है गगनयान को भेजने के लिए और समुद्री निगरानी केंद्र की स्थापना के लिए। तो आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसरो द्वारा हाल ही में स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए चलाए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो आपका सही जवाब होगा यूविका नामक एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा, ताकि बच्चे देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में जानें, इसरो के बारे में जानें, इसरो की जितने भी प्लान हैं, जितने भी योजनाएं हैं फ्यूचर की और पहले की, तो उन सारे के बारे में जानें। तो ये उन्होंने प्रोग्राम किया है युविका, और ये उनके लिए है बेसिकली कि जो कक्षा आठ पास कर चुके हों और कक्षा नौ में अभी गए हों, और ये प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित राज्य से 3-3 बच्चों को भेजने की बात की गई, वहाँ के मुख्य सचिव से इन्होंने बात किया है कि हर राज्य से या केंद्रशासित प्रदेश से 3-3 बच्चे इस युविका कार्यक्रम के अंतर्गत इसरो में जाएंगे और इसरो के प्रोग्राम के बारे में समझेंगे। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मेनका गांधी द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक सुधारों को प्रेरित करने वाली महिलाओं की असाधारण उपलब्धियों को मनाने के लिए किस नाम से पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा वेव वंडर वुमेन। आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है महिलाओं के, चूँकि महिलाओं से रिलेटेड है, तो महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन को आप कभी छोड़े ना, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कोशिश करें कि आप इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करें। अगर आपके किसी एग्ज़ाम के प्रीलिम्स को निकालना है, पहले स्टेज को पार करना है, तो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा चाहे जहाँ से मिले वो। तो इसका सही जवाब होगा पहले का वेव वंडर वुमेन। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में NBT नेशनल बुक ट्रस्ट का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा गोविंद प्रसाद शर्मा। ये GP शर्मा भी पूछ सकता है, तो आप बिल्कुल क्लियर रहें कि गोविंद प्रसाद शर्मा हो या GP शर्मा हो, तीन दोनों में से आपको बिल्कुल याद रखना है, NBT के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा परिवार समृद्धि योजना की घोषणा की गई है? यह योजना सरकार ने राज्य के किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को लक्षित करके चलाई है। तो आपका सही जवाब होगा हरियाणा। इसका सही जवाब होगा हरियाणा, जो कि परिवार समृद्धि योजना लॉन्च किया है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश के किस जनपद में हाइड्रोसायनिक एसिड से युक्त
ज्वार की फसल खाने से बहुत सारे पशुओं की मृत्यु हो गई है, कुछ इंसान भी कुछ आदमी भी मरे हैं, मृत्यु हो गई है। तो आपका सही जवाब होगा ये आंध्र प्रदेश के किस जनपद में, तो किस जनपद की बात हो रही है, तो आपका सही जवाब होगा गुंटूर। सही जवाब होगा गुंटूर। गुंटूर जनपद में हाइड्रोसायनिक युक्त ज्वार की फसल थी और उसको बहुत सारे पशुओं ने खा लिया है, जिसकी वजह से पशुओं की मृत्यु हुई है। तो आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी समुदाय बालीग्राम पंचायत कोटिया निम्न में से किन दो राज्यों के मध्य विवाद का मुद्दा बना हुआ है? तो देखिए ये पिछले, हालांकि पिछले 2018 का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक किसी एग्जाम में मैंने देखा नहीं पूछते हुए, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्योंकि ये ट्राइब्स रिलेटेड है और ये ग्राम पंचायत कोटिया है। कोटिया एक ऐसा ग्राम पंचायत है जिसमें काफ़ी संख्या में ट्राइब्स रहती हैं और ये दो राज्यों के बीच में काफ़ी विवाद का मुद्दा बना हुआ है। कभी वो राज्य कहता कि मेरा है, कभी दूसरा राज्य कहता है मेरा है। अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि किस राज्य में स्थित है, तो इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में है। तो आपका सही जवाब होगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब होगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में ये कोटिया पंचायत है। कभी उड़ीसा कहता है कि मेरी पंचायत है और कभी आंध्र प्रदेश कहता है कि मेरी पंचायत है। आइए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस शहर ने सैनिटरी पैड की सबसे बड़ी श्रृंखला बनाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज किया है? तो देखिए सैनिटरी पैड का काफ़ी चर्चा चल रहा है और इसमें देश में इस संदर्भ में अभी मूवी भी आई थी अक्षय कुमार की पैडमैन के करके, तो इसलिए काफ़ी चर्चा में है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका सही जवाब हुआ बंगलुरु। बंगलुरु में सैनिटरी पैड की एक सबसे बड़ी श्रृंखला बनाकर गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2019 की रायसीना डायलॉग जो कि 8 जनवरी 2019 को संपन्न हुई का थीम क्या था? रायसीना डायलॉग, तो पहले क्वेश्चन देख रहे थे उसके बाद रायसीना डायलॉग के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो आपका जो ये थीम थी उसकी क्या थी? आपका सही जवाब हुआ सी, अ वर्ल्ड रिओर्डर न्यू ज्योमेट्री फ्लूइड पार्टनरशिप अनकंटेंटेड आउटकम। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए रायसीना डायलॉग बेसिकली क्या है कि वैश्विक स्तर पे भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों से संबंधित जितने भी इश्यूज होते हैं उन इश्यूज पे चर्चा करने के लिए ये हर साल दिल्ली में आयोजित किया जाता है। और चूंकि जो विदेश मंत्रालय हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो है कहाँ, ये रायसीना हिल पे ही स्थित है कार्यालय इसका, इसीलिए इसको रायसीना डायलॉग भी कहते हैं। तो विश्व के जो चर्चित देश हैं, चर्चित हस्तियाँ हैं, देश वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और इस पर चर्चा होती है। तो 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली रायसीना डायलॉग कब आयोजित की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा आंसर सी, 2016 में। 2016 से ये लगातार डायलॉग आयोजित किया जाता है और हर वर्ष आयोजित किया जाता है, तो ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग 2019 किसके तत्वावधान में आयोजित किया जाता है, किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? पहला तो हमने देख लिया कि 2016 में, ये 2016 से शुरुआत हुई थी, और किसके तत्वावधान में ये आयोजित किया जाता है? ये प्रत्येक साल वही संगठन रहता है जो इसको आयोजित करता है। तो आपका सही जवाब होगा विदेश मंत्रालय और ORF यानी कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, आपको याद रखना है। तो होप कि जो ये 27 क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो कम से कम 27 क्वेश्चन और 27 करंट अफेयर्स तो आपको मालूम हो गए होंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी में वृद्धि हुई होगी। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी करें ताकि हमें अपने असेसमेंट का मौका मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।